हेलो गाइस, सो हमने डे 18 के वीडियो के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। सो आज के डे 19 के वीडियो के अंदर हम इंटरनेशनल बिजनेस को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके फर्दर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर वीडियोज रिलेटेड टू UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड HRM। और अगर आपको हमारा UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड HR का कंप्लीट कोर्स पैक परचेज करना है सो आप वो भी हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो आप हमारे गिवन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये क्विजेस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अटेंड करनी है सो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 19 के क्विज। सो आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, आपको डे 19 का क्विज मिलेगा। सो इसे स्टार्ट करते हैं, बिगिन करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, GATT वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट फ्री ट्रेड। रीजन आपको गिवन है, फ्री ट्रेड ऑलवेज इंक्रीजेस नेशनल वेलफेयर। सो देखिए यहाँ पे GATT आपका है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सो बेसिकली इसको फॉर्म किया गया था बेसिकली फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। सो इसका जो पहला ऑप्शन है दैट इज अशर्शन आपका करेक्ट है, दैट इज उसको क्रिएट किया गया था फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। और इसको 1995 में रिप्लेस भी कर दिया गया था WTO के साथ, और WTO एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था, बट GATT जो था वो बेसिकली एक एग्रीमेंट था। नाउ अगर हम इसके रीजन की बात करें सो यहाँ पे रीजन में गिवन है आपको, फ्री ट्रेड ऑलवेज इंक्रीजेस नेशनल वेलफेयर। सो फ्री ट्रेड की वजह से हमेशा नेशनल वेलफेयर इंक्रीज होता है। सो बेसिकली जो आपके रीजन है ये दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज देखिए यहाँ पे रीजन को आप देख सकते हैं, फ्री ट्रेड की वजह से नेशनल वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है बट यहाँ पे हमेशा होता है, दैट इज नॉट करेक्ट। बिकॉज देखिए अगर किसी कंट्री के अंदर फ्री ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है सो बेसिकली यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो फ्री ट्रेड है उसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो इसकी वजह से नेशनल वेलफेयर जरूरी नहीं कि वो इंक्रीज होता ही है, बिकॉज यहाँ पे जो WTO का एग्रीमेंट है जिसके अंदर WTO के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनको फ्री ट्रेड पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है, बिकॉज WTO के प्रिंसिपल के अंदर गिवन है कि जो भी WTO के मेंबर्स हैं वो अपनी कंट्री के अंदर फ्री ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, यहाँ पे कोई भी टैरिफ एंड कोटा बैरियर नहीं लगाया जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें सो यहाँ पे जो आपका रीजन है दैट इज नॉट करेक्ट, सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, फ्री एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ एक्सपोर्टर्स। सो बेसिकली फ्री एक्सचेंज रेट, बेसिकली यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है इसको, सो इससे जो रिस्क होता है एक्सपोर्टर्स का वो इंक्रीज हो जाता है। सो दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, बेसिकली यहाँ पे हमें पता नहीं है कि रुपी जो है वो अप्रिशिएट करेगा या डेप्रिशिएट करेगा। सो जो बेसिकली जो अप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन से यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स का होता है वो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज यहाँ पे कोई एक्सपोर्टर है, बेसिकली यहाँ पे फ्री एक्सचेंज रेट पॉलिसी चल रही है, सो यहाँ पे रुपी जो है आपका डेप्रिशिएट भी हो सकता है और रुपी जो है आपका अप्रिशिएट भी हो सकता है। सो इसके बारे में एक्सपोर्टर को कुछ नहीं पता। सो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आपका एक्सपोर्टर है उसने 120 रुपीज़ की कमोडिटी को एक्सपोर्ट किया, और हम यहाँ ये एज्यूम करके चल रहे हैं $1 के अंदर जो आपका है वो 60 रुपीज़ है, दैट इज़ अगर वहाँ पे उसको डॉलर अमाउंट्स में अगर उसको पेमेंट मिल रही है सो उसको कितना अमाउंट मिलेगा, $2। सो अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपोर्टर को $2 मिलने थे, सपोज यहाँ पे जो आपका रुपी है वो डेप्रिशिएट हो गया, ओके सपोज रुपी डेप्रिशिएट होके कितना का हो गया, $1 में आपके आ गए 90 रुपीस। नाउ अब देखिए रुपी जब भी डेप्रिशिएट होता है सो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनका बेसिकली काफ़ी फ़ायदा होता है रुपी डेप्रिशिएट होने से। देखिए अब यहाँ पे 90 रुपीज़ आ गए, सो अब देखिए जब भी वो 120 रुपीज़ की कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेंगे सो उनको कितने मिलेंगे, $2। अब ये $2 को जब वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर कन्वर्ट कराएंगे रुपीज़ के अंदर सो यहाँ पे $2 में उनको मिलेंगे, $1 में 90 रुपीज़ हैं तो $2 में कितने हो गए, 180 रुपीज़। सो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने 120 रुपीज़ की कमोडिटी को एक्सपोर्ट किया था और यहाँ पे 180 रुपीज़ उन्हें मिल गए। सो बेसिकली यहाँ पे एक्सपोर्टर का बेनिफिट हो गया। बट एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए यहाँ पे जो रुपी है वो अप्रिशिएट हो जाता, ये 90 का ना होकर यहाँ पे रुपीज़ हो जाता $1 = 40 रुपीज़,
सो बेसिकली यहाँ पे 120 का एक्सपोर्ट करने पे एक्सपोर्टर को मिल सकते थे यहाँ पे 80 रुपीज़। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 का लॉस है, 40 रुपीज़ का। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे जो आपका एश्योरेशन है दैट इज़ करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे जो फ्री एक्सचेंज रेट की वजह से जो आपका एक्सपोर्टर्स का रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो यहाँ पे आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है और यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है। नाउ अगर हम रीजन की बात करें, सो स्पेकुलेशन कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपोर्टर्स। सो बेसिकली अगर हम स्पेकुलेशन की बात करें तो चाहे कोई नॉर्मल पर्सन हो चाहे कोई एक्सपोर्टर हो, स्पेकुलेशन कभी भी रिस्क को कम नहीं करता है, स्पेकुलेशन हमेशा रिस्क को बढ़ाता है। सो यहाँ पे जो रिस्क है वो कभी भी एक्सपोर्टर्स का रिड्यूस नहीं होगा बाय स्पेकुलेशन। सो यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट वन है दैट इज़ करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज़ इनकरेक्ट। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द बेनिफिट एक्रूइंग टू द नेशन फ्रॉम इशूइंग द करेंसी और व्हेन इट करेंसी इज यूज्ड एज ए इंटरनेशनल करेंसी और रिजर्व इज कॉल्ड। सो अगर कोई भी कंट्री है उसकी जो करेंसी है वो अगर रिजर्व करेंसी की तरह यूज की जाती है, सो यहाँ पे उस कंट्री को किस टाइप का बेनिफिट हो रहे हैं, सो उसको बोला जाता है सिग्नोरेज बेनिफिट। सिग्नोरेज बेनिफिट होता है बेसिकली, देखिए जो कंट्री होती है बेसिकली यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग होती है और जो वैल्यू ऑफ मनी होती है उनके अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। बेसिकली अगर आपकी मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 5 पैसा आ रही है और उसकी जो वैल्यू है 1000 रुपीज़ है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सो US डॉलर के साथ सेम केस है, बेसिकली US डॉलर जो है उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट काफ़ी कम है बट यहाँ पे जो उसकी US डॉलर की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो इस टाइप के बेनिफिट को जो कहा जाता है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग दैट करेंसी एंड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इज सिग्नोरेज। सो यहाँ पे सिग्नोरेज होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें दैट इज ट्रांजेक्शन डिमांड, मैक्सोर। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी ट्रांजेक्शन डिमांड होती है वो होती है बेसिकली डिमांड फॉर परचेस। सो बेसिकली यहाँ पे आपने मनी की 3 टाइप की डिमांड पड़ी होगी, ट्रांजेक्शन डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड। सो यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिमांड जो होती है वो बेसिकली आपकी जो होती है कि आप किसी भी कमोडिटी को या किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसको ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी कहा जाता है। नाउ अगर हम मर्कसोर की बात करें, सो ये बेसिकली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है अमंग द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। सो बेसिकली इसके अंदर अर्जेंटीना, ब्राजील, वेनेजुएला, सो बेसिकली इस टाइप की कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। नाउ एक्सचेंज शेयर इज नथिंग, इरेलीवेंट पॉइंट है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रेशियो ऑफ ए कंट्री एक्सपोर्ट प्राइजेस टू इट्स इम्पोर्ट प्राइस इज कॉल्ड। सो बेसिकली यहाँ पे एक्सपोर्ट प्राइस और इम्पोर्ट प्राइस के रेशियो को क्या कहा जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है रिलेटिव प्राइस रेशियो, ट्रेड रेशियो, टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड बेनिफिट रेशियो। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मर्केंटलिज्म वॉज ओरिजिनेटेड इन। सो मर्केंटलिज्म जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड की सबसे पहली थ्योरी थी। सो बेसिकली ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, सो ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सो इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताइए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट HR का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है फॉर दिसंबर 2019, सो आप उसे भी हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे गिवन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।